अजमेर के वैशाली नगर में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए पहली क्लास में दाखिले के लिए लॉटरी निकाली गई। जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी यादव ने बताया कि स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए क्लास में 1 में 30 सीटों पर दाखिला लेने के लिए 358 आवेदन मिले, जिससे लॉटरी निकालकर वरीयता लिस्ट का निर्धारण किया गया। इसके तहत लॉटरी के जरिए निर्धारित पहले 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए दाखिला दिया गया। अगर इन चिन्हित स्टूडेंट्स में से अगर किसी के जरिए दाखिला लेने से लिखित इनकार किया जाता है तो लॉटरी के जरिए निर्धारित वरीयता लिस्ट में वरीयता के मुताबिक आने वाले स्टूडेंट्स को दाखिले का मौका दिया जाएगा। अभिभावक की मौजूदगी में लॉटरी निकालने का प्रोग्राम किया गया। इसमें अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी दर्शना शर्मा मौजूद थी। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आज लॉटरी का कार्य किया गया। लॉटरी 20 जुलाई से लेकर और 24 जुलाई तक का आयोजन विभागीय निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी संपूर्ण गाइडलाइन की पालना करते हुए, प्रशासन के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए भी आज 358 जो पार्टिसिपेंट्स थे उनकी लॉटरी का कार्य सम्पन्न किया गया और 358 में से 30 विद्यार्थियों की लॉटरी निकाली गई और उसके पश्चात 10 वेटिंग जो हैं वो भी जाहिर की गई और इन कक्षा 1 के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश कार्य है आज संपूर्ण हो चुका है और इसकी सूचना भी निदेशालय को आज प्रेषित कर दी जाएगी। 21 को ईद का अवकाश होने के कारण से जो लॉटरी का कार्यक्रम है कक्षा 2 से 5 के लिए वो 24 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। 22 जुलाई को कक्षा 6 के लिए और 23 जुलाई को कक्षा 7 और 8 के लिए लॉटरी के आयोजन का विभागीय निर्देश के अनुसार किया जाएगा। आज हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास के लिए जो लॉटरी प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्लास में 30 सीट्स हैं हमारे पास, जिसके लिए 358 फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। द प्रोसेस इज़ ओवर एंड वी फॉलोड कोरोना गाइडलाइन एंड ऑल द पेरेंट्स दे वर फुली सेटिस्फाइड। Everything was done with full transparency. अब कल जो लॉटरी होनी थी वो 2 से 5 तक छुट्टी की वजह से, कल ईद की छुट्टी है इसलिए वो 24th को होगी। हमारे यहाँ सीट्स केवल 3rd में 6th में और 7th में अवेलेबल हैं। और उनके पिताजी का नाम है श्री मनोहर सिंह संध्या। अजमेर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट।